नमस्कार बच्चों, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि हमारे पंजाब एजुकेशन बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 4 मार्च से, और सीबीएसई एग्जाम भी होने वाला है फिजिक्स का। उसके लिए हमने वेव ऑप्टिक्स के और रे ऑप्टिक्स, पहले हम वेव ऑप्टिक्स लेने जा रहे हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके लिए एक रिविजन सीरीज हम लेके आ रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, देख लें, इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको बेनिफिट होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लीजिए, कंपटीशन के लिए भी काम आ जाएंगे, जेईई मेन नीट के लिए भी और रेगुलर सिलेबस के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए। हाइगन वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन, तो हाइगन वेव थ्योरी जो थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, क्योंकि पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन जो हाइगन का प्रिंसिपल था वो वेव फ्रंट था, उससे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन तो एक्सप्लेन होते हैं, और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ऑप्शन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोनोक्रोमेटिक लाइट या वेव मीन्स, मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ लाइट, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो बस, ऐसी वेव हैविंग ए सिंगल वेवलेंथ। तो लैम्डा इज फिक्स्ड, इट मे बी 5000, 6000, 7000, सिंगल वेवलेंथ। तो ऑप्शन इज ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द पोलराइजेशन म्यू इक्वल टू टेन थीटा पी। ये हमारा स्टैंडर्ड ब्रिस्टर लॉ है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जब हम वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, उसके अंदर इस ब्रिस्टर लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑप्शन जो है इसका सी बनता है। इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्मड ऑन द स्क्रीन इज, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें स्ट्रेट मिलेंगे बैंड्स, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, तो हमें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में फ्रिंजेस मिलेंगी। ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे वाई डी एस ई, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सप्लेन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चन पंजाब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, जो ऑप्टिक्स का सिलेबस है वो 14 मार्क्स का है, इसमें 7 मार्क्स की वेव ऑप्टिक्स आने के चांसेस हैं। फोर क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन फ्रॉम 1 मार्क्स ईच, ये हमारे पास वेव ऑप्टिक्स आएंगे। वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हमारे पास वेव और रे दोनों में से आएगा, ठीक है। तो और होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो वेव ऑप्टिक्स से भी एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, एक रे से होगा। चाहे आप वेव ऑप्टिक्स का लेंथी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें 5 मार्क्स वाला, चाहे वेव ऑप्टिक्स कर लें। और 6 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टोटल रे ऑप्टिक्स के अंदर, 3 होंगे वेव से और 3 होंगे रे से, अप्रोक्सीमेट है। इस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें 2021 और पिछला, उससे ये कंक्लूजन निकलता है। तो दिस इज रिविजन सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सभी तरह क्वेश्चन और भी बुक से आप लगा सकते हो, एनसीईआरटी से कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने वाला है, वो चाहे रे से आए या वेव से आए, वी आर नॉट श्योर। इस तरह से 6 क्वेश्चन एमसीक्यू 6 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स 9 एंड 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स का हमारा ऑप्टिक्स का सिलेबस है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर दोबारा से आ रहे हैं। तो इस वे ऑप्टिक्स के हम 3 वीडियो लेक्चर आपको देने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने थोड़े से एमसीक्यू करवाने की कोशिश करी है, सेकेंड लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वेव ऑप्टिक्स के, थर्ड में वेव ऑप्टिक्स की डेप्थ थ्योरी करेंगे। आप चाहे थर्ड वीडियो लेक्चर को पहले सुन लें ताकि थ्योरी एक्सप्लेन हो जाए, फिर आप लेक्चर नंबर 2 सुन लें जिसमें न्यूमेरिकल्स हो जाएं, और फिर बाद में आप ये लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा रिविजन सीरीज का, वो सबसे बाद में कर लें। फिलहाल मैं इसको लेक्चर नंबर 1 में अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। द वेव फ्रंट ड्यू टू द सोर्स ऑफ, ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लेनर, जो सोर्स ऑफ, सोर्स से दूर जाके हम वेव फ्रंट देखेंगे तो हमें वो
स्फेरिकल की बजाय प्लेन नजर आएगा। ठीक है, तो आगे देखें, जैसे जैसे थ्योरी एक्सप्लेन होती जाएगी तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। ध्यान से देखते जाएं और समझते जाएं क्वेश्चंस को हमने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वाज कंफर्म्ड बाय द फिनोमिना। तो ट्रांसवर्स नेचर वो होती है जिसमें लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। तो लाइट को अगर ट्रांसवर्स नेचर माने तो हमारे पास लाइट जो है पोलराइज हो सकती है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का फिनोमेना हम पढ़ेंगे। तो लाइट को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट इफेक्ट से देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द हाइजीन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो हाइजीन वेव थ्योरी अभी आपको लेंथी क्वेश्चन कराएंगे 5 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले, उसमें समझाएंगे हाइजेन ने कैसे एक्सप्लेन किया था वेव फ्रंट थ्योरी को। उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं आता। तो हाइजेन प्रिंसिपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो सकते हैं, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो सकता है, बट ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में हाइजेन थ्योरी कुछ नहीं बोलती, इसलिए ये ऑप्शन ए रहेगा। फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट टू सोर्सेज शुड बी। दो सोर्सेज जो होने चाहिए उनमें निकलने वाली वेव्स आइदर कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, कॉन्स्टेंट वेव लेंथ, आइदर जीरो फेज डिफरेंस, और जो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग बीम है डेट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट विद द टाइम। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो ये दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं वो कोहरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। इसका मतलब बेसिक कंडीशन ये है कि दोनों कोहरेंट सोर्सेज के बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए, कोर सोर्सेज ऑफ लाइट के बीच में हमारे पास कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम अभी 9 की ओर चलेंगे। 20 क्वेश्चन है, एक सैंपल की तरह देख रहे हैं, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हमें और क्वेश्चंस हो जाएंगे। जितनी थ्योरी क्लियर होती जाएगी उतना कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, उतने न्यूमेरिकल होते जाएंगे उतने भी ये क्वेश्चंस होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i सुपर इम्पोज देन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटीज आर। ये जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है। तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए मान लें, सेकंड का बी मान लें, है ना। तो आई वन है आई, टू सी है 4i, इधर है ए स्क्वायर, इधर है बी स्क्वायर, तो इससे ए और बी की रेशियो क्या आ जाएगी, ये किसके बराबर है, 1/2। अनरूट ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ए रेशियो बी जो है ये एम्पलीट्यूड की रेशियो आ गई हमारे पास। तो हमने क्या निकालना है, आई मैक्सिमम आई मिनिमम। आई मैक्सिमम होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1+2 का होल स्क्वायर, 1-2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर, तो 9:1 हमारा ऑप्शन आ जाएगा, 9i एंड i। वट चेंजेस ऑन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट जब पोलराइज होती है तो क्या चेंज होती है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैन बी चेंज। रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इज गिवन बाय 4:1, देन द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो i1/i2 जो इंटेंसिटी की रेशियो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है। अगर आपकी रेशियो की इंटेंसिटी की रेशियो 4:1 आई है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका मतलब अगर ए और बी निकालेंगे तो 4√1 आ जाएगा, 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स, वेरी इजी टॉपिक। कॉन्फिडेंस रखें। हम 11 क्वेश्चन, हम 20 क्वेश्चन चूज किए, बहुत सारे बनते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ के कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे देखना है, कैसे समझना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू सोल्व, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और कैसे करना है, ये सोच के अटेम्प्ट करना है। देखो, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेट्स ऑफ द टू स्लिट्स आर 1:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। अब ध्यान से समझना, जो I1/I2, I1 इज इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव, I2 इज इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट होती है, विड्थ ऑफ द फर्स्ट स्लिट ओवर विड्थ ऑफ द सेकेंड स्लिट। ये प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होता है। ए फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, बी दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है, ये इसका मतलब होता है। पहले हम W1 और W2 को I1 I2 मान लेंगे। ये हमारे पास 1:4 है, तो 1/4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए ओवर बी हमारा 1/4 मीन्स 1/2 आ जाएगा। अब फिर क्वेश्चन राइज होता है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कैसे निकालेंगे। तो आई मैक्सिमम क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो समझ आ रहा है, ए प्लस बी मीन्स 1+2, 1+2 मीन्स 3, 3 का स्क्वायर 9, 1-2 -1, -1 का स्क्वायर 1, तो 9:1 ये हमारा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव है वो विड्थ ऑफ द स्लिट्स के प्रोपोर्शनल बी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बल्ब 40 वाट एंड 60 वाट कैन एक्ट एज कोहरेंट सोर्सेज। नो, दो इंडिपेंडेंट बल्ब एक्ट नहीं कर सकते कोहरेंट सोर्सेज, क्योंकि उनसे निकलने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस टाइम के साथ कॉन्स्टेंट नहीं रहता। तो ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। The wave front due to the point source, अभी हम आगे थ्योरी में आपको पढ़ाएंगे। वेव फ्रंट जो पॉइंट सोर्स का होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, एक स्फीयर पे दूसरा स्फीयर, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं स्फीयर पे, हर पॉइंट स्फीयर पे सेम फेज पे वाइब्रेट करेगा, ऐसे करके हमारे पास वेव फ्रंट थ्योरी है जो अभी एक्सप्लेन करेंगे। The idea of the secondary wavelets for the propagation of wave was given by Huygens. ये सारा कंसेप्ट Huygens का है, Huygens wave theory है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इट वॉज क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आगे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे ध्यान से, घबराना नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड फिजिक्स है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आपको फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अपने आप पे विश्वास करें। वट एवर बी द नेचर ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट ए वेव फ्रंट एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अगर सोर्स ऑफ लाइट से हम बहुत दूर जाएंगे, ये स्फेरिकल है, इनको बहुत दूर से जाकर देखेंगे तो ये प्लेन लगेंगे। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट से हम दूर जाकर देखते हैं, चाहे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अगर उसके नजदीक देखेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, और अगर दूर से देखेंगे तो वो प्लेनर बनेंगे। तो ये प्लेनर आंसर मीन्स प्लेन वेव फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 17, Huygens वेव थ्योरी अलाउ अस टू नो, फोर ऑप्शंस आर देयर। तो Huygens थ्योरी वेवलेंथ ऑफ द वेव इसके बारे में बताती है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इसके बारे में बताती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इसके बारे में बताती है। नहीं, वेव थ्योरी हमें बताती है कि वेव फ्रंट आगे कैसे प्रोपिगेट करता है फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी,
in the direction of propagation of wave. Propagation of wavefront is the right answer. The frequency of the light ray having wavelength lambda. So ye question to aap kar sakte ho. C equal to nu lambda. So nu is equal to C by lambda. C velocity of light 3×10⁸ होता है और wavelength 3000 angstrom है. Angstrom 10⁻¹⁰ होता है. इसको जब भी आप सॉल्व करोगे यू गेट दिस आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. गलत. साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव है. हम कुछ क्वेश्चन करा के आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए. तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हो. द डायरेक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन द साइज ऑफ द अपर्चर इज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ये क्लियर है, तो ये आगे डायरेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे. तो डायरेक्शन तभी हो पाता है कि अगर वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल हो. तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा. तो इस तरह से थोड़े क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवा के आपको समझाने लगे हैं कि आप बुक कोई बुक फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए. तो कोई बुक फॉलो कर ले जिसमें एमसीक्यू सॉल्व किए हों, उनको प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करके वन ऑप्शन करेक्ट है तो वेव ऑप्टिक्स से मिनिमम 3 या 4 भी आ सकते हैं. टोटल 6 क्वेश्चन हमें एरे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से एमसीक्यू आने के चांसेस है. बोर्ड का जो हमारे पास सैम्पल पेपर आए हैं उसके हिसाब से, तो आप स्टेट बोर्ड के पीएससीबी की साइट पर जाके सैम्पल पेपर भी देख सकते हैं. ठीक है, अब अगले इस ये रिवीजन सीरीज है वे ऑप्टिक्स की. इसमें लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने थोड़े से एमसीक्यू करवा के आपको दिखाया है कि हमने क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, कैसे उसके ऊपर थ्योरी लगानी है. अब सेकेंड वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं स्लिट्स के ऊपर जो भी एम्पलीट्यूड वाले किए हैं. और थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स थ्योरी, वेव फ्रंट कैसे होते हैं, हाइगन थ्योरी क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन होंगे, इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डायफ्रेक्शन कंसेप्ट क्या है एंड पोलेशन लाइट क्या है. इनमें से 5 मार्क्स क्वेश्चन तो डेफिनेट आना ही आना है एज पर बोर्ड स्टैंडर्ड. 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है कि चाहे वो पोलराइजेशन से आ जाए या डायफ्रेक्शन से आ जाए, चाहे उसका और पार्ट रे ऑप्टिक्स से आ जाए. तो उम्मीद करते हैं आपको बच्चों समझ आया होगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.